कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में एक एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक ऐसे डील कर लेता है जहाँ उसे घरेलू परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कि एक इंसान जो अपनी वाइफ को अपने करियर बनाने के दांव पे लगा लेता है, ये है बेसिक स्टोरी के तहत। टैगलाइन है आपका द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। या यही है ना, क्योंकि अगर एक इंसान अगर अपनी मंजिल को पाने के लिए अगर अपनी बीवी को सेक्रीफाइस कर दे उस डील के ऊपर, तो बैठ के चलो डर की वो सोसाइटी का एक काला धब्बा है। अनिल कपूर जी आज आ रहे हैं और मनीषा जी भी शायद आएंगी, तो क्या वो अनिल जी इसलिए आ रहे हैं कि वो संजय के भाई हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि अनिल जी को पर्सनली हमने रिक्वेस्ट किया है, हमने उनको बुलाया है कि बिकॉज कि हर कोई अच्छे ओकेजन में एक बड़े नामी प्रसिद्ध आदमी होते हैं, तो मेरे जहन के तौर पर इसलिए कि अनिल सर जी अगर आएंगे तो मुझे खुशी, इसलिए उनको मैंने फ़ोन किया है और वो आ रहे हैं। मनीषा जी भी आ रहे हैं जिनके साथ में आप पहले काम कर चुके हैं, क्या ये आपकी दोस्ती की वजह से है? बट एक्चुअल देखो क्या होता है, कोई रिलेशन्स होते हैं, कोई दोस्ती होती है, और फिर साथ में एक डायरेक्टर और आर्टिस्ट की रेपो होता है, तो जिसकी वजह से मैंने उनको इन्वाइट किया, हालांकि वो अभी बाहर गई थी, अभी फ्लाइट उनकी लैंड होने वाली है, तो एनी मोमेंट वो भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर से अगर इस फिल्म की बात करें, कास्टिंग किस तरह डिसाइड की गई है? कास्टिंग की स्टोरी के आधार पर डिसाइड की गई है, जिस तरह का करेक्टर हमने पोर्ट्रेट किया है उसी करेक्टर के आधार पर हमने कास्टिंग किया है। आर्यन का करेक्टर मुझे सूट किया आर्यन को लिया, प्रीति का करेक्टर सूट किया प्रीति को लिया, सुमन का करेक्टर सूट किया सुमन को लिया, उसके बाद रिवॉल्व संजय कपूर का, जिस तरह से करेक्टर मुझे नज़र आया था मेरे जहन में संजय कपूर आया था, इसलिए उनको कास्टिंग किया गया। संजय कपूर जो है इस फिल्म में एक बहुत बड़े टाइकून का रोल कर रहे हैं, जिनकी खुशी और हर चीज़ इज़ ए काइंड ऑफ गाय जो पार्टी थ्रोइंग करता है, हमेशा ग्लैमर मीडिया में रहने में कोशिश करते हैं, और बेसिक जो करेक्टर है वो उनकी नज़र कहीं ना कहीं एक जगह प्रीति जंगानी के ऊपर रहते हैं जो आर्यन के वाइफ का रोल कर रही है, और उनके सामने ये डील आता है, ये प्रस्ताव आता है कि आर्यन को कुछ सर्टेन कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है 10 करोड़ अमाउंट की, जिसके बदौलत फाइनेंस करना चाहते हैं कि भाई एक रात के लिए उनकी वाइफ मेरे पास आ जाए। ठीक है, बट वो डील होती नहीं है थ्रू सुमन रंगनाथन, उसके बाद कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न अलग हो जाती है कि डील होती नहीं है, लेकिन एक वाइफ की नज़र में हस्बैंड गिर चुका होता है, वो भी एक सरकमस्टेंसेस में फंस कर ये डील होती है, और डील कराने में सुमन रंगनाथन कर रहे हैं। सुमन रंगनाथन जो करेक्टर प्ले कर रहे, वेरी कह सकता हूँ कि मैं सुमन के लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस रोल है इस फिल्म में। म्यूजिक के बारे में कुछ बताएं? ऑफकोर्स फिल्म की म्यूजिक, आज म्यूजिकल लॉन्चिंग है तो बट जाहिर सी बात है म्यूजिक बहुत अच्छे हैं, आनंद मिलिंद बहुत अच्छे म्यूजिक दिए हैं, सारे शेड्स हैं इस फिल्म में गाने के, और जिसको बिजनेस कंपनी लॉन्च कर रही है, जो हमारी सारी फिल्में शुरू से अब तक करते आई हैं,